आज आपके सामने लेके आया हूँ कि व्हाट इज मैट्रिक्स। ऑफ कोर्स आपने मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन किया होगा, मैट्रिक्स के क्वेश्चंस किए होंगे और आपको मैट्रिक्स कहीं ना कहीं समझ में आ गई होगी और आप सोचते होंगे कि मैट्रिक्स तो आपको आती है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो लेक्चर तैयार किया जा रहा है जिन्हें थोड़ा बेसिक आता है। बेसिक इन दैट सेंस कि आपने 10th क्लास तक जो लीनियर इक्वेशंस पढ़ी है उन लीनियर इक्वेशंस में एक्स और वाई की वैल्यू को आपने सॉल्व किया है। आपने अलग अलग मेथड्स पढ़े होंगे। सबसे पहला उसमें मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड है या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड है या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। कोई भी मेथड से आपने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना सीखा होगा सब्स्टिट्यूट करके या फिर मोस्टली हम करते हैं एलिमिनेट करके। तो वो एक्स और वाई की वैल्यू जो हम फाइंड करते थे यानी कि जो हमने 10th क्लास में पढ़ा है और करा है सॉल्व, उसी को मैं कनेक्ट करने वाला हूँ आज मैट्रिक्स से। तो आपको समझ में आएगा कि मैट्रिक्स बेसिकली क्यों जरूरी है और इसे हम क्यों करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम किस तरीके से करेंगे। आपको इसके लिए मैंने कहा है जब तक बेसिक नहीं आएगा तब तक आप इसको नहीं समझ पाएंगे, तो इसे समझने के लिए थोड़ा बेसिक आना चाहिए। सेकंड, इसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ आपको ये सिखाएगा कि मैट्रिक्स एक्चुअल में क्या होता है। ओके, नाउ जैसे कि मैंने कहा 10th क्लास में आपने जरूर पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन, तो मैं एक लीनियर इक्वेशन लिख लेता हूँ। एक्स प्लस आपको लिखा है यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ये x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और इक्वेशंस दे रखे हैं इन द फॉलोइंग इक्वेशंस और इक्वेशंस आपको दे रखी है x प्लस y इज इक्वल टू 3 एंड 2x माइनस y इज इक्वल टू 2। ये आपको सिंपली मैंने दो इक्वेशंस आपके सामने लिखी हुई है और इसमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड या फिर हम सब्स्टिट्यूशन भी यूज कर सकते हैं, तो एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे और हम इसे सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखो एलिमिनेशन मेथड में सॉल्यूशन कैसे होता है, बहुत सिंपल है। हम इसे अंडरलाइन कर देते हैं और कोफिशिएंट्स को देखते हैं कि इक्वल है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर एक्स के कोफिशिएंट्स तो इक्वल नहीं है, एक्स के साथ जो संख्या है वो इक्वल नहीं है। यहाँ पर दे रखा है आपको 1 और x, यहाँ पर x के साथ दे रखा है 2, लेकिन y के कोफिशिएंट्स इक्वल है। यहाँ पर y के साथ 1 है और यहाँ पर भी y के साथ 1 ही है, तो हम क्या करते हैं इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट करेंगे सर यहाँ पर पहले साइन चेंज करने होते हैं, तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि साइन चेंज जब करने होते हैं जब ये सेम साइन होते हैं, प्लस और प्लस होगा तब साइन चेंज करना होगा या माइनस और माइनस होगा तब भी साइन चेंज करना होगा, लेकिन ये प्लस और माइनस ऑलरेडी है तो मैंने इसका साइन चेंज नहीं करना है। ये ऐसा कैसे ही लिखा जाएगा ना, ऐसा लिखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3x आएगा इज इक्वल टू 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 आएगा और ये 3 डिवाइड में चला जाएगा तो x इज इक्वल टू 5/3 आ जाएगा। दिस इज x। ओके, ना इस x की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे यानी कि सब्स्टिट्यूट करेंगे हम उठा के इस वाली इक्वेशन में रखते हैं। तो क्या होगा देखो, x plus y is equal to 3 लिखा है। क्या लिखा है, x plus y is equal to 3। Now, x की वैल्यू 5/3 है तो मैं यहां पर लिख दूंगा x की जगह पर 5/3 plus y is equal to 3। Now, 5/3 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो y is equal to 3 minus का 5/3 एंड देन एलसीएम लेंगे तो y is equal to 3 एलसीएम में आ जाएगा। 3 is a 9 minus का 5, this is 4/3। अगर हम देखें तो ये दो वैल्यूज आ चुकी हैं, ये दो आंसर्स आ चुके हैं। अब पहला क्वेश्चन तो ये दिमाग में उठता है सर ये आंसर क्या है, तो मैं बता देता हूं ये वो दो ऐसे आंसर्स हैं जो सेटिस्फाई करते हैं इस और इस इक्वेशन को। किस तरीके से सेटिस्फाई करते हैं चेक करते हैं। देखो पहली इक्वेशन है x plus y is equal to 3, x की जगह x की वैल्यू रखिए 5/3 plus y की जगह y की वैल्यू रखिए 4/3 और आप इसे सॉल्व करना शुरू करिए। ये 3 के इक्वल है, एलसीएम लेंगे 3, 5 प्लस 4 आप देख सकते हैं एलसीएम किस तरीके से लेते हैं, 5 प्लस 4 9/3 इज इक्वल टू 3। आप इसे सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा कि नहीं आएगा, मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरीके से अगर मैं ये दोनों वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में रखता हूँ 2x माइनस का y इज इक्वल टू 2, x की जगह पर आप रखोगे ये वैल्यू 2 इंटू में 5/3 माइनस का वाई की जगह पर क्या वैल्यू है 4/3, ये 2 के बराबर आना चाहिए। एलसीएम दोनों का क्या आ रहा है 3 आ रहा है,
टू फाइव जर टेन माइनस का फोर इज इक्वल टू टू, टेन माइनस फोर इज इक्वल टू सिक्स बाई थ्री एंड दिस इज टू। तो आपने ये सीखा कि एक पार्टिकुलर प्रोसेस है, उस प्रोसेस से यानी कि इस पार्टिकुलर प्रोसेस या मेथड से हमने ऐसी वैल्यू निकाली जाती है हमारे से ताकि ये वाली और ये वाली यानी कि ये और ये दोनों इक्वेशन जिससे हम निकाल रहे हैं वो सेटिस्फाई भी हो, और ऑफ कोर्स आपने ये सेटिस्फाई किया। अब इसका क्या मतलब है सर, सेटिस्फाई भी हो गया, एक्स वाई भी आ गया, इसका भी कोई मतलब हुआ? हाँ, इसका भी कोई मतलब है। तो आपको इसे ले जाना पड़ेगा किसके पास, इसको ले जाना पड़ेगा ग्राफ के पास। तो देखिए ग्राफ देखते हैं किस तरीके से बनता है इसका। x plus y is equal to 3 लिखा हुआ है, तो आपने ये जरूर पढ़ा होगा x and y, x की जगह पर 0 रखेंगे then y की वैल्यू 3 आएगी, y की जगह पर 0 रखेंगे then x की वैल्यू 3 आएगी, पहले तो आपने ये पढ़ा होगा। सेकंड 2x minus y is equal to 2, then आपने फिर ये टेबल बनाई होगी, x की जगह पर 0 रखे ना, यहाँ पर यहाँ 0 रख दीजिए तो 2 multiply by 0 तो पूरा हट गया ना, हटा दिया तो y की वैल्यू minus y बराबर 2, अगर x की जगह 0 रख दिया तो ये हट गया पूरा का पूरा, क्योंकि ये 0 बन गया, देखो ना यहाँ पर मैंने 0 ले दिया, 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हट गया, ये लो हटा दिया। बचा क्या, माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई तो y की वैल्यू तो माइनस 2 आएगी। अगर मैंने y की जगह पर 0 रखा नीचे, इधर y की जगह इसकी जगह 0, तो यानी कि ये y हट गया तो 2x इज इक्वल टू 2 आएगा, 2x इज इक्वल टू 2 दैट मीन्स 2 डिवाइड में ले जाएंगे तो 1 आएगा। ये आपने टेबल जरूर बनाई होगी, नहीं बनाई तो अभी सीख लीजिए ना, अभी सिखा तो दिया मैंने आपको किस तरीके से टेबल बनती है। अब इसका ग्राफ भी बना लेते हैं, ये लीजिए ये मैंने इसका ग्राफ बना देना है आपके सामने, ये सिंपल सा ग्राफ बनाएंगे, ये जीरो है, ये है पॉजिटिव ऑफ एक्स, नेगेटिव ऑफ एक्स, पॉजिटिव ऑफ वाई, नेगेटिव ऑफ वाई, जीरो पे थ्री, एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू थ्री, जीरो पे थ्री, वन टू थ्री, दिस इज थ्री पे जीरो, वन टू थ्री एंड जीरो, तो ये आपने बना दिया ग्राफ। ओके नाउ ये आपके पास वैल्यू है x plus y is equal to 3 का, ये लाइन है ग्राफ पे। उसके बाद 0 पे माइनस 2, x is equal to 0, y is equal to माइनस 2 नीचे मिलेगा, 1 2। ओके 1 पे 0, x is equal to 1 और 0, और ये बन गई दूसरी, बिल्कुल सीधी लाइन आप खींच सकते हैं, और ये नाम लिख देंगे हम 2x minus का y is equal to 2। ये दोनों जहां पर मीट कर रही है ये वाला पॉइंट हम पहले ही निकाल चुके हैं, 5 बाई 3 4 बाई 3 5 बाई 3 एंड 4 बाई 3। आप चेक भी कर सकते हो इसे अच्छे से, 5 बाई 3 को जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 1 3 एंड 3 6 समथिंग, तो 1.7 आ जाएगा लगभग 1.7, और इसे सॉल्व करेंगे तो 3 1 3 एंड 3 3 9 एंड समथिंग। तो फाइनली देखो यहाँ देखो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो ये जो मीट कर रहा है ये 2 से थोड़ा पहले मीट कर रहा है, एंड 4 बाई 3 मतलब 1.3, तो 1 ये रहा और 3 यहाँ पर कहीं होगा तो यहाँ मीट कर रहा है। तो देखेंगे मीटिंग पॉइंट जो इसका है वो कहाँ है, 1.7 और 1.3, x की वैल्यू 1.7, y की वैल्यू 1.3। तो ये मतलब हुआ इसका कि अगर दो इक्वेशंस दे रखी है तो उन इक्वेशंस का ग्राफिकल एग्जिस्टेंस है, और अगर ग्राफिकल एग्जिस्टेंस है तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को कनेक्ट कर रही है। दो इक्वेशंस के बिहेवियर 3 होते हैं, एक जो कहीं ना मिले, एक एक के ऊपर एक होगी, कोइंसिडेंट कहते हैं, तो और तीसरा जो है आपके पास बिहेवियर जो एक पार्टिकुलर जगह पर कट करता है या फिर एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। मैंने वो इक्वेशन ली है जिसका यूनिक सॉल्यूशन है और मैं इसी पर बात करने वाला हूं। आपने कहा सर इतना सारा क्यों बता रहे हो, क्योंकि ये सब चीज तो हमने 10th में पढ़ी है, सभी स्टूडेंट ने 10th में ये देखी जरूर होगी, आपने उस टाइम सीखी हो या ना सीखी हो लेकिन देखी जरूर होगी। सीखने के लिए मैंने आपको ये सारा बताया कि x और y हम क्यों निकालते हैं, क्योंकि ये दोनों लाइंस एक पार्टिकुलर जगह पर मिल रही है, एक ऐसी यूनिक जगह पर जहां पर पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन दोनों सेटिस्फाई है। यहां पर वो पॉइंट नहीं है, यहां पर वो पॉइंट नहीं है, यहां पर नहीं है, ऐसे हजारों लाखों करोड़ों पॉइंट्स है, यानी कि इतनी सारी संख्याओं में हजारों लाखों करोड़ों पॉइंट्स हैं जिस पर ये दोनों इक्वेशंस नहीं मिलती, वो एक ही जगह मिलती है, और उस एक जगह को मिलने को हम निकालने के लिए हम ये प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, और ऐसे अलग अलग जगह ने अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग प्रोसेस भी बताया। तो ये आपको समझ में आता है सिनेरियो। अब आपको मैंने कहा कि आपने मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन भी पढ़ लिया, और मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद ये इक्वेशंस का मैंने क्वेश्चन डाला है, पहले वो देख के आइए। सेम चीज मैं मैट्रिक्स मेथड से करूंगा, मैट्रिक्स
मेथड, यानी कि आप मैट्रिक्स मेथड से सेम वैल्यू निकाल रहे हो, सेम ऐसे ग्राफ बनेगा, सेम वो पॉइंट आएगा, लेकिन विदाउट यूजिंग द एक्स वाई फाइंड एक्स वाई। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स, यानी एक्स और वाई का इस्तेमाल नहीं करते हुए आप एक्स और वाई की वैल्यू ही निकालेंगे, यही है मैट्रिक्स। अगर आप मैट्रिक्स जानना चाहते हैं मैट्रिक्स क्या है, तो मैट्रिक्स कुछ नया सा टॉपिक आपके सामने नहीं है। हाँ, बिल्कुल नया टॉपिक दिखेगा हर उस स्टूडेंट के लिए जिन्होंने अभी तक मैट्रिक्स नहीं देखा, या चलो आपने ट्वेल्थ पढ़ा भी होगा, तो नया ही आपको लगा होगा, एक नई सी चीज, नया डायमेंशन दिखाया जा रहा है। नहीं, ये नया डायमेंशन नहीं है, बस यही समझाने के लिए वीडियो लेक्चर मैंने तैयार किया है कि ये कनेक्ट करिए। अब देखिए कि जो आपने ऑलरेडी पढ़ा था, जिसका ग्राफिकल एग्जिस्टेंस होता है, एल्जेब्रिक एग्जिस्टेंस होता है, सेम उसी को एक नए आयाम से दिखाने की कोशिश की है थ्रू द मैट्रिक्स मेथड। तो यहां पर अगर मैं इसको क्वेश्चन को करता हूं, तो ऑफकोर्स अगर आपने मैट्रिक्स की सीरीज देखी होगी, और अगर नहीं देखी है तो आप पहले डिस्क्रिप्शन पे जाइए, और उसके बाद आप जाइए प्ले लिस्ट के पास, मैट्रिक्स का बेसिक एक इंट्रोडक्शन छोटा सा तैयार किया है वो देखिए, उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी आपके पास, और रिलेटेड टू दिस मैं डायरेक्ट मेन पॉइंट पे आ गया था, तो इस 2x2 के लिए एक अलग से बनाया है, 3x3 के लिए एक अलग से क्वेश्चन बनाया है, तो 2x2 का क्वेश्चन देखिए, फिर यहाँ पर वापस आइए, एंड देन ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर करना क्या है, आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, और हमें तो पता भी है x y की वैल्यू का आंसर क्या है, ये और ये आएगी, और मुझे पता है यही क्यों आएगी, अपनी मर्जी से कोई दूसरी वैल्यू क्यों नहीं आएगी, क्योंकि ये यही तो मिल रहा है सर, देखिए ना इसका ग्राफ मिल भी है, कॉन्टैक्ट पॉइंट भी वही है। तो इसे मैट्रिक्स मेथड से कैसे करेंगे, हम सिंपली पहले लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x, x के साथ लिखी होने वाली संख्या कौन सी लिखी है, 1, याद रखना, कोफिशिएंट को हम हिंदी में कहते हैं गुणांक, यानी गुणा करने वाला अंक। तो जब भी मैं कोफिशिएंट ऑफ x बोलूंगा, तो इसका मतलब x के साथ गुणा करने वाली संख्या, कुछ नहीं दिख रही तो एक x लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ x 1 है, कोफिशिएंट ऑफ y 1 है, कोफिशिएंट ऑफ x 2 है, यहां पर कोफिशिएंट ऑफ y -1 है, इधर आपके सामने दे रखा है 3 and 2। तो अगर आपने इसके बारे में जानकारी, मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया किसका क्या नाम होता है, किसका क्या नाम नहीं होता, यहां मैं डायरेक्ट वैल्यू फाइंड कर रहा हूं, और वो तरीका क्या है, देखो यहाँ एक्स वाई है क्वेश्चन में, मैं यहाँ एक्स वाई नहीं यूज कर रहा, ये मैट्रिक्स का एक स्पेसिफिक पैटर्न, एक तरीका है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, वो तरीका आपको किसमें सिखाया है, उस क्वेश्चन में जो मैंने किया था उसमें सिखा चुका हूँ स्टेप बाय स्टेप, यहाँ डायरेक्ट मैं उसे कनेक्ट कर रहा हूँ। तो कैसे करेंगे, 1 upon मेन डायगोनल कहते हैं इसे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें क्या हो जाएगा, -1, माइनस का निशान ही लगेगा हमारी तरफ से, इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो 2 हो जाएगा। मैंने सिंपल सा काम किया, 1 upon पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी, -1 आया, माइनस का निशान बनाया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी, इतना सा काम है, बहुत आसान सा, ये तो कर सकते हो आप। देन यहाँ पर क्या करेंगे, जो मेन डायगोनल है ये, इसको हम पलट देंगे, यानी कि ये जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, -1 ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला 1 नीचे आ जाएगा। इन दोनों के जो सेकेंडरी डायगोनल है, ये वाला डायगोनल, इन दोनों के सिर्फ निशान बदलेंगे, ऊपर वाला -1 हो जाएगा, नीचे वाला -2 हो जाएगा, संख्या नहीं बदलेंगे, इसको हम ऐसे ही कॉपी कर लेंगे 3, 2। नाउ मल्टीप्लिकेशन जैसे करनी आपको आती है वैसे करिए, इसे लिखेंगे 1 upon -3, और मल्टीप्लिकेशन कैसे करना सिखाया था मैंने आपको, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देना। देखो पहले चेक कर लेते हैं, 2x2 की मैट्रिक्स है, ये 2x1 की मैट्रिक्स है, पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर है, तो 2x1 की मैट्रिक्स बनेगी 2x1, कैसे बनेगी, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड देन -2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड देन 1 मल्टीप्लाई बाय 2। फाइनली आंसर आ गया हमारे पास कितना, -5 एंड देन -4। ये समझ में आ गया होगा आपको, देन सॉल्व करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे सिंपली, -5 डिवाइड बाय -3, यहां मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे तो कितना देगा, -4 -3, तो आंसर क्या आया आपका, 5x3 एंड 4x3। और गौर से देखिए, 5x3 4x3 ही पहले हमारा आंसर आया था, यानी ये दो वैल्यूज ऐसी उठा के अगर हम यहां रख देंगे x और y की जगह पर, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। देख सकते हो, अच्छे से देख सकते हो आप कि ये जो प्रोसेस है, कहीं पर भी देखिए ये क्वेश्चन था, इसके बाद कहीं पर भी आपने x और y का इस्तेमाल नहीं किया है, कहीं पर भी विदाउट यूजिंग द एक्स वाई वी फाइंड एक्स वाई, दिस इज मैट्रिक्स।
तो मैट्रिक्स कुछ अलग से नहीं आया है, मैट्रिक्स जो है एक ऐसा बिहेवियर है। अगर कोई स्टूडेंट, क्योंकि ये मैंने क्यों कराया, क्योंकि कई स्टूडेंट कहते हैं सर गलती भी हो जाती है कि सर आपने इसकी मल्टीप्लाई इसमें कराई, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें कराऊं तो क्या काम बन जाएगा, अगर मैं इसको चेंज ना करके इसको चेंज करूं या इसको चेंज करूं तो क्या काम बन जाएगा, अगर मैं इसे अपॉन में माइनस ना करके प्लस कर दूं तो क्या काम बन जाएगा, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा सर, ये सारे नियम में से भी तो एक आंसर है। हाँ वो आंसर आएगा, लेकिन वो आंसर का क्या एग्जिस्टेंस है, वो आंसर क्यों निकाल रहे हो आप। अगर इन दोनों आंसर्स को उठा के मैं यहाँ रखता हूँ तो ये इसके इक्वल आता है। सर ये इक्वल क्यों कर रहे हैं हम, क्या मतलब है, क्योंकि अगर हम इनका ग्राफ बनाते हैं तो ये एक पॉइंट पर कॉन्टेक्ट करता है, ऐसा कॉमन पॉइंट जो इस लाइन का भी पासिंग पॉइंट है, इस लाइन का भी पासिंग पॉइंट है। दैट्स द रीजन व्हाई हमने एक नया मेथड सीखा, उस मेथड को कंसीडर, उसे मद्देनजर रखते हुए, सामने रखते हुए हमने इस मेथड को सीखा। ऐसे नहीं कि आप सोचो कि ऐसे अपनी मर्जी से मनगढ़ंत बना लिया। तो आपको समझ में आ गया कि मैट्रिक्स फिजिकली क्या होता है और इसको क्यों करते हैं, इसका भी मैं जवाब जरूर दूंगा। 2x2 में ये मेथड ही एप्रोप्रिएट था। आप नया मेथड क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि 3x3 में ये थोड़ा सा लेंथी हो गया था, यानी कि अगर मैं एक्स वाई जेड तीन ऑब्जेक्ट लेता हूँ, तीन वेरिएबल लेता हूँ, तो यहाँ पर सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा एज कम्पेयर टू मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स मेथड का 3x3 की इक्वेशन आपको सिखाई है, और 3x3 के बाद जो वेरिएबल्स आते हैं उसके लिए मैट्रिक्स एक रास्ता तैयार करता है, जिससे फर्दर क्लासेस में हम सिंप्लेक्स मेथड या ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स, बहुत लेंथी जो वे है उसको कवर करने के लिए बनाया जाता है। तो मैट्रिक्स और स्पेशली थ्री डायमेंशनल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, समझने के लिए, उसे सॉल्व करने के लिए थ्री डायमेंशन के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स आती अगर हम सीधा सीधा इस तरीके से इस मैथड से करते, बहुत लेंथी। तो होप सो गाइस आपको ये सेशन समझ में आया होगा, आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से मैट्रिक्स को हम देखें, हमारा नजरिया क्या होना चाहिए। हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किसी क्लास में इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरा मन था कि स्टूडेंट्स को इसकी जानकारी हो, उन्हें पता हो कि मैट्रिक्स एक्चुअली एक नई चीज नहीं है, वो पुराने 10th क्लास के स्केल से ही नया बना है। उसका करने का पैटर्न जो है वो स्पेसिफिक है, और वो स्पेसिफिक कैसे बना, ये कोई एक दिन की मेहनत नहीं होती कि एकदम से एक व्यक्ति उठा और उसने बना के मेथड आपको दे दिया। उन्हें अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए होंगे, जैसे इसकी मल्टीप्लाई इसमें कराना या फिर कोई भी ऐसी चीज करना, उसने अलग अलग तरीके से सोचा गया होगा, नहीं इसके बराबर आ पाया। उनका रिजल्ट ये था कि उन्हें ये रिजल्ट निकालना है। ये रिजल्ट जब भी आएगा जब इन एप्रोप्रिएट स्टेप्स पर आप चलेंगे। ओके, तो हैव अ नाइस डे गाइस, बाय बाय गाइस।